आइए हम बात करते हैं आज गुलेंदा की। इसको उल्लू भी कहते हैं, कहीं कहीं इसको गुलेंदा कहते हैं, बुंदेलखंड में इसको गुलेंदा कहा जाता है और बाकी जगह कहीं कहीं इसको गुल्लू भी कहते हैं। एक्चुअली ये महुआ का फल है, ये देखिए, और महुआ का जो फूल होता है वो उसकी काफ़ी कुछ चीज़ें बनती हैं, उसकी लोग सुखा लेते हैं उसको और उसको खा के उसको पराठे है, नमकीन है, कई चीज़ें बनती हैं। और ऐसे ही इसका ये जो फल है इसके अंदर बीज है, देखिए ये मैंने तोड़ा था, ये काटा आपको दिखाने के लिए, ये गुलेंदा का ही एक है ये, और इसको काट के मैंने इसका बीज निकाला, ये सीड है इसका, सीड देखिए काफ़ी बड़ा है। हर पेड़ में एक सीड होता है, तो यही महुआ में भी सीड है, देखिए इसके अंदर ये सूख जाएगा फिर ये सीड इसमें होता है तो उससे ही पेड़ बनता है। और ये देखिए ये भी वही है, लेकिन ये इसके फ़ायदे सुन के आप चौंक जाएंगे, ये कि बड़ा फ़ायदेमंद है और इसमें बहुत कैल्शियम होता है, और इवन ये जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा करता है। और ये लोग सदियों से खा रहे हैं इसको, आज से नहीं खा रहे हैं, इसकी सब्ज़ी बनती है, सब्ज़ी भी इसकी बड़ी स्वादिष्ट बनती है, इसको छील के और इसको थोड़ा सा उबाल के फिर सब्ज़ी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है सब्ज़ी। ये आज मुझे गुलेंदा दिख गया तो मैंने कहा ले लेता हूँ इसका वीडियो बनाने की, आपको इसका वीडियो बना के दिखाता हूँ कैसा होता है। बहुत से हमारे दर्शकों ने शायद इसको नहीं देखा होगा, गुलेंदा या गुल्लू उनके लिए नया नाम होगा। तो इस तरह ये महुआ का फल है, बहुत ही देखिए सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल, और इसके फ़ायदे बहुत हैं। आप खाएंगे तो कुछ दिनों बाद आपको महसूस होगा कि मेरे अंदर एक पावर का, एक शक्ति का संचार हो रहा है। ये बहुत कैल्शियम से भरपूर होता है, और अभी तो ये कोरोना काल चल रहा है तो इसमें ये इसको खाना अति आवश्यक है, बहुत अच्छा रहता है। और इसके जो बीज है सीड, इसका ये तेल निकाला जाता है, और जो महुआ का तेल है ये भी बहुत फ़ायदा करता है, काफ़ी लोग इसका यूज़ करते हैं। तो आप भी इसकी सब्ज़ी बनाइए और या फिर इसको थोड़ा उबाल के ये जो है इसको बीज को हटा के इसको हल्का हल्का छील लें आप, और छील के आप इसको थोड़ा सा फ्राई नमक कर लें, ऐसा कर लें और खाइए, बड़ा मज़ा आएगा। और कुछ लोग सीड को भी खाते हैं, सीड भी बड़ा फ़ायदेमंद है, बहुत सॉफ्ट है सीड, देखिए तब रहा ये, इसको भी आप चार टुकड़े धो के चार टुकड़े कर लीजिए और नमक काली मिर्च थोड़ा सा असली घी में इसको फ्राई कर लें हल्का सा और तल के इसको खाइए, बड़ा मज़ा आएगा। ये बहुत ही ज़्यादा विटामिन इसमें बहुत है, कैल्शियम बहुत है, और महुआ तो पूरा पेड़ ही बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह आप इसका सेवन करें, बहुत ही अच्छा आएगा आपके स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद।